हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको बता देना चाहता हूँ मैं कि सिंपल वन की प्राइस यहाँ पर रिवील हो चुकी है। यहाँ पर इसकी प्राइस 1,45,000 कंपनी की तरफ से रखी गई है। तो चार्जर का प्राइस कुछ अलग से ले रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया है। इनके जो इवेंट में मैंने देखा तो मुझे ये पता लगा कि 1,45,000 ये ले रहे हैं और करीब हमें 15,000 रुपये RTO और इंश्योरेंस के लगने वाले हैं इसमें। तो ये 1,60,000 से 1,65,000 तक हमारी गाड़ी पड़ने वाली है। और आप सबको पता है कि अभी ओला और एथर ये सारे लोगों ने अपने चार्जर के पैसे रिटर्न कर रहे हैं, बट ये एडिशनली इन्होंने चार्जर का पैसा लगा लिया है जो गवर्नमेंट की फेम टू सब्सिडी के अंतर्गत नहीं आता। तो ये भी बहुत बुरी बात हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि चार्जर के पैसे भी हमें यहाँ से ले जा रहे हैं इनकी तरफ से। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सिंपल वन में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो चुकी है और उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके कारण उसकी प्राइस चेंज हुई है। और आपको तो पता ही है फेम टू सब्सिडी वाला केस। तो आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि सिंपल वन की प्राइस क्या होने वाली है और इसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हमें दिखाया गया था वो नहीं मिला है, कुछ कुछ चेंजेस के साथ मिला है। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में। अगर नए चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ कि उसमें 3 से 4 मेजर चेंजेस है, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो पहला चेंज तो है बैटरी का। अब आपको पता है कि सिंपल वन में पहले 4.8 किलोवाट की बैटरी इन्होंने डाली थी, पर वो अब हो चुकी है चेंज। 4.8 किलोवाट की बैटरी अब इसमें नहीं है, इसमें डाली गई है 5 किलोवाट की बैटरी। तो बैटरी में यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर बैटरी का जो साइज है वो इंक्रीज कर दिया गया। अब आपको पता है अगर बैटरी का साइज इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इसके वेट में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसका जो वेट था वो 110 kg का इसका वेट था, बट अब इसका वेट हो गया है यहाँ पर चेंज। अब इसका वेट जो है वो 134 kg का इसका वेट हो चुका है, क्योंकि इसमें बैटरी इंक्रीज कर दी गई। वेट डायरेक्ट कहाँ इम्पेक्ट करता है, रेंज के ऊपर। तो रेंज जो है इसका भाई सिंपल वन का 236 बोलती थी पहले, अब वेट बढ़ने के कारण इसका जो रेंज है वो भी कम हो चुकी है। इसकी रेंज 212 किलोमीटर अब हो चुकी है कंपनी के साइट पे, जो नया वाला सिंपल वन हमें देखने को मिलेगा। कहा है कि यहाँ पर सिंपल वन का जो है वो रेंज भी कम हो चुका है। ये कुछ 3 चेंजेस इन्होंने करे हैं। ये कुछ 3 चेंजेस की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर इसकी रेंज भी कम हुई है, बैटरी की साइज बढ़ा दी है, और जबकि वेट इसका बढ़ चुका है। अब एक फोर्थ चेंज ये हुआ है इसमें कि इसकी जो हेडलैम्प है वो चेंज करी गई है। हेडलैम्प जो है इसकी हेड यूनिट जो पहले आती थी वो अभी नहीं आती है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि यार इसकी रेंज कितनी मिल जाएगी। तो इसकी रेंज करीब आपको 180 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी, 180 से 190 किलोमीटर हमें देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये था एक छोटा सा अपडेट सिंपल वन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको और भी आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।